हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज रेसिपीज। आज मैं आपको एक छोटा सा किचन दिखाने वाली हूँ, तो आप देखेंगे कि ये कैसे ऑर्गेनाइज किया है। ये एकदम छोटा सा किचन है, देखिए इतना ही किचन है ये, लेकिन ये इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है कि अगर आपका किचन छोटा है तो आप ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक अभी दिखाने वाली हूँ कि ये कैसे किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पूरे कैबिनेट है किचन के, देखिए तो स्टोरेज भी बहुत अच्छे से है। तो यहाँ पे ये ट्रे है, और आप अगर चाहिए तो आप इसमें शेल्फ भी बना सकते हो। ये ओवन है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये ओवन है। फिर उसके ही ऊपर ये कुकर है, मींस ये गैस है, ये इलेक्ट्रिक का होता है लेकिन ये बहुत सेफ होता है। ये चिमनी है ऊपर जो है वो, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। जैसे कि अब ये कुकर हो गया, ये ओवन नीचे आ गया, फिर इसके अंदर पूरी जो है कटलरी रखिए, जैसे कि फोर्क नाइफ, आप ऐसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। उसके ही नीचे देखेंगे और एक ड्रॉवर है, तो ये ड्रॉवर में जो भी बर्तन है, नहीं तो जो भी ग्रोसरी होगी वो आप रख सकते हैं। उसके ही बाजू में ये पैन रखे हैं, पैन के ऊपर ही सिंक है, तो स्पून नाइफ वगैरह, ये किचन टॉप है। और फिर इसके अंदर ये फ्रिज है, तो देखिए ये छोटा सा फ्रिज है और इसके अंदर ये फ्रीजर है। तो आपका किचन अगर बहुत छोटा है तो आप उसको ऐसे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे माइक्रोवेव रखा है, ये माइक्रोवेव है ऊपर और एक शेल्फ है, देखिए। तो ऐसे ये छोटा सा किचन है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे कचरे का डब्बा रखा है और ये ऐसे एंट्रेंस है। तो देखिए बहुत अच्छा सा किचन ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है और बहुत ही यूजफुल है। अगर आपका किचन छोटा है तो आप ऐसे उसको बना सकते हो, बहुत सुंदर दिखता है ये। और यहाँ पे विंडो है, देखिए ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए, अच्छा है ये। तो विंडो भी आप ओपन करके यहाँ पे कुक कर सकते हो। और ऊपर भी कैबिनेट है, देखिए इसमें पूरा डिश कप सब रखा है। और उसके बाजू में और एक है, यहाँ पे भी सब केटल वगैरह कप ग्लासेस सब रखा है। तो बहुत अच्छा ये किचन है, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।